जय हिंद वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर आप सभी का आज की इस रीजनिंग की सेकेंड क्लास में हार्दिक स्वागत है हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए हमारी डेली क्लास आप सभी को शाम बजे आपको प्रोवाइड करवाई जाती है सो so, आज हमारी सेकेंड क्लास रहेगी रीजनिंग की बेसिकली स्पेशल क्लास हमारी हिमाचल पुलिस एग्जाम के लिए स्टार्ट करवाई गई है जिसमें हम रीजनिंग के 10 से 15 क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उसमें आपको पजल डी आई वन डाइग्राम या अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है जिसके आपके पांच क्वेश्चन लगातार आपको ब, आ, मिलेंगे और 10 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सिंपल चैप्टर से रहेंगे जैसे कि डायरेक्शन ब्लड रिलेशन एनालोजी नंबर सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशन इस तरीके से जो बेसिक चैप्टर हैं उनको भी हम कवर करते हैं सो so स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है समरूप जोड़ी का पता लगाएं देखिए ये एनालॉजी का आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको रिलेशन ढूंढना है जैसे कि गेंद का रिलेशन जो फेंकना के साथ है वैसे ही इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका एक करेक्ट रिलेशन जो है वो शो करता है तो गेंद गेंद को हमने क्या किया फेंका तो वैसे ही कौन सी चीज जो है वो हम यूज करते हैं और उसको फिर फेंक देते हैं देखिए ऑप्शन अगर मैं डी ऑप्शन के ऊपर अगर डायरेक्ट जाऊं फुटबॉल और फुटबॉल को हम क्या करते हैं किक करते हैं तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ही इसका राइट right आंसर रहेगा जिस तरीके से गेंद को फेंका जाता है वैसे ही फुटबॉल को किक किया जाता है उसको किक मारी जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड निम्नलिखित में से कौन नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगा यहां पे आपके पास हिंट दिया गया है बी एफ i और j इसमें जो रिलेशन आपका रहेगा वही सेम रिलेशन आपको जो है वो l o q t में चेक करना है l o q t में चेक करना है जो रिलेशन b f i j से d h k l में रहेगा वही आपको नेक्स्ट में चेक करना है तो देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं पहले मैं आप थोड़ा सा रिलेट कीजिए कि क्या आपका आंसर बनेगा b से जब मैं दो आगे जाऊंगा तो d आएगा f जी एच फिर से मैं दो आगे गया फिर आई से मैं दो आगे गया के और जे से दो आगे गया तो आ जाए आ जाऊंगा मैं एल के ऊपर तो इसी तरीके से आप नेक्स्ट को भी ट्राई कीजिए एल से जब आप दो आगे जाएंगे एल से जब आप दो आगे गए तो क्या आता है एन आ जाता है ओ से दो आगे जाएंगे क्यू आ जाएगा क्यू से दो आगे एस और टी से दो आगे ओ वी तो एन क्यू एस वी एन क्यू एस बी यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन क्वेश्चन का राइट right आंसर रहेगा। नेक्स्ट नंबर थ्री है देखिए यहां पे क्वेश्चन थ्री में आपको रिलेशन बताना है बी को जो है वो एट बोला गया है तो वैसे ही आपको बताना है कि जो सी है उसको आप क्या बोलेंगे तो जो बी है बी को एट किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं बी यानी कि बी आता है दूसरे नंबर पे अल्फाबेट में और अगर B, B का मैं क्यूब कर दूं बी का कर दूं यानी कि दो का मैंने क्यूब कर दिया तो आठ आएगा क्यूब का मतलब कितनी बार गुणा तीन बार गुणा तो आंसर आ गया एट वैसे C सी जो है वो आता है तीसरे नंबर पे तो इसका भी मैंने क्या किया क्यूब किया तीन गुणा तीन गुणा तीन तीन त्या नौ नौतिया जो कि हमारे ऑप्शन में रहे इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट right आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पिक्चर की फॉर्म में कुछ क्वेश्चन मैंने डाला है क्योंकि अब डे बाय डे आपका हिमाचल पुलिस का एग्जाम भी टफ होता जा रहा है जिस तरीके से नई गाइडलाइन जो है वो हिमाचल गवर्नमेंट ने एग्जाम से रिलेटेड या भर्ती से रिलेटेड दी है तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है डेली शाम 8 बजे जो है वो आपकी क्लास जर्नल प्रैक्टिस क्लास जो है वो विजय सर द्वारा लगाई जाती है जिसमें हिंदी जीके इंग्लिश कंप्यूटर हिमाचल जी के स्टैटिक जीके जर्नल साइंस और करंट अफेयर ये सारे के सारे टॉपिक लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपके डेली जो है वो आपके प्रैक्टिस लगाए जाते हैं आप पूरा दिन मेहनत कीजिए जहां पर भी आप स्टडी करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन आप स्टडी कीजिए और शाम को 6 बजे हमारे साथ आप रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लगाइए जल्दी ही सात बजे हमारा मैथ का भी प्रैक्टिस सेट शुरू होने वाला है और आठ बजे जो है लगभग एक घंटे की क्लास विजय सर द्वारा जो है वो ली जाती है डेली जो है जिसमें 50 से 60 क्वेश्चन आपके जो है वो डिस्कस किए जाते हैं तो डेली आप शाम को जो है वो खुद के लिए प्रैक्टिस के लिए दो घंटे निकालिए और विजय पथ एजुकेशन के साथ आप डेली अपना एक मोक लगाइए आप पूरा दिन मेहनत कीजिए जहां से भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन स्टडी करते हैं आप पूरी कीजिए जहां पे भी आप कोचिंग लेते हैं आप उसको कंप्लीट कीजिए और शाम को खुद को आप चेक कीजिए आठ बजे कि आप कितने क्वेश्चन जो है वो आपके बिल्कुल सही हैं किस तरीके का क्वेश्चन आजकल एग्जाम में जो है वो पूछा जा सकता है तो थोड़ा सा फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर फोकस करते हैं एक नए तरीके का क्वेश्चन डाला गया है देखिए ये जो है एक बैच का अ uh, यहाँ पे चित्र जो है वो बनाया गया है जैसे हम कहीं पार्टी में जाते हैं या फिर जैसे कोई फंक्शन है एनुअल फंक्शन है तो जो गेस्ट आते हैं उनको यहाँ पे बैच लगाया जाता है उनकी शर्ट के ऊपर बैच लगाया जाता है ये जो है एक ट्रॉफी है ट्रॉफी बिनर्स को दी जाती है और ये तीन बच्चे जो हैं वो खड़े हैं इसका मतलब है इनकी पोजिशन है ये फर्स्ट है उसके बाद ये सेकेंड है और ये जो है ये थर्ड है फर्स्ट सेकंड थर्ड है तो ये सारी चीजें जो है वो किस चीज को रिलेट करते हैं देखिए पुस्तकों में तो ये होता नहीं है ठीक है जब मुलाकात होती है तब भी हम ट्रॉफी तो देते नहीं है शादी के केस में जो है वो आ, बैच हम बोल सकते हैं लेकिन ट्रॉफी का रिलेशन तो है नहीं तो इसका ड्राइ, राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्सव यानी कि कोई समारोह कोई फंक्शन है तब इस चीज का जो है वो उपयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए पिक्चर को छः के रूप में और स्टूडियो को पाँच के रूप में अंकित किया गया है तो आपको टेलीविज़न का कोड जो है वो बताना है अगर मैं बात करूँ पिक्चर की पी आई सी टी यू आर ई कोई भी आप रिलेशन लगाइए पिक्चर को छः बताया गया है तो क्या आप यहाँ पे कोड लगाएंगे जिसकी वजह से जो पिक्चर है वो छ में आ जाएगा तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट को मैं काउंट कर सकता हूँ एक दो तीन चार पाँच छः और सात तो टोटल अल्फाबेट बने सात सात में से एक चला गया तो कितना लिख दिया हमने छः वैसे मैं स्टूडियो को काउंट करता हूं एक दो तीन चार पाँच छः तो छः है छः में से एक चला गया तो स्टूडियो का कोड हाँ पांच दिया है तो वैसे ही आप टेलीविजन को भी काउंट कीजिए आप टेलीविजन को काउंट कीजिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस तो दस में से जब एक चला जाएगा तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जो कि है आपके पास नाइन ऑप्शन बी जो है वो इसका इसका राइट राइट आंसर आंसर रहेगा रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है इसको आप ट्राई कीजिए क्या कोडिंग से रिलेटेड चैप्टर है ये मैंने आपको पिछले कल की क्लास में भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन जो था वो करवाया था तो मैं यहां पे आपको लिख के बता देता हूं ये लिखा गया है ही नीड्स हेल्प ही नीड्स हेल्प इसका कोड दिया गया है पी ए वी और सी एस ई उसके बाद है सम वन मस्ट हेल्प इसका कोड दिया गया है तो मैं लिख देता हूं इसको सम वन मस्ट हेल्प इसका कोड है वी पी और एम ई एम और लास्ट दिया गया है ही इज ही इज समवन तो ये मैं उनके लिए थोड़ा सा यहां पे फोकस कर रहा हूं जिनको ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं अंडरस्टैंड हो पाता है वैसे तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन से ही हिट इसको कर सकते हैं थोड़ा सा मैं इसको बेसिक पोर्शन के साथ बता रहा हूं इसका कोड दिया गया है वी एफ आई और ई एम देखिए हमें जो है वो समबन नीड हेल्प का कोड बताना है सम नीड हेल्प कलर चेंज कर लेता हूं मैं यहां पे हमें बताना है समवन नीड्स हेल्प देखिए आप कोड निकालिए क्या आंसर रहेगा देखिए समवन जो है वो कहां से निकलेगा जो समवन है वो एक तो यहां पर है एक यहां पर है यानी कि ऐसा कोड जो इन दोनों में है यानी कि ये फर्स्ट सेंटेंस ये सेकंड और ये थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन सेंटेंस दिए हैं समवन जो है वो सेकंड और थर्ड में है तो ऐसा कोई कोड जो सेकंड और थर्ड में कॉमन हो तो देखिए कॉमन कौन सा है ईएम ईएम इसलिए समवन का कोड क्या हो जाएगा ईएम e हो जाएगा ठीक है ये तो हमारा कट गया ठीक है अब हमें कोड बताना है किसका नीड का ठीक है तो नीड जो है वो कहां पर है पहले सेंटेंस में है तो नीड को चेक करने के लिए हमें जो है वो ही का कोड हटाना पड़ेगा तो ही ही जो है वो एक तो फर्स्ट में है एक थर्ड में है तो ऐसा कोई कोड जो फर्स्ट और थर्ड दोनों में है उसको हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हम इसका कोड निकालेंगे ही दोनों में कॉमन है तो देखिए यहां पे है एवी एवी इन दोनों में ए बी ए बी है इसका मतलब ही का कोड तो ए बी हो गया तो ए बी तो कट गया ठीक है जी ही हमें चाहिए नहीं हमें चाहिए नीड हेल्प तो कोड क्या बनेगा एक बनेगा पीई -E और एस ई -E. -E और एस ई -E. तो कौन सा यहां पे ऐसा कोड है जहां पे ई e एम है देखिए ई एम ई एम यहां पर ई एम है ठीक है बाकी तो किसी में नहीं. पीई है. -E है और एस ई -E है तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ आपके पास दिया गया है इसको आप चेक कीजिए यहां पे आपको बताना है कि इन जानवरों में से सबसे अलग कौन है गाय डायनासोर शेर सांप बंदर चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास ठीक है इनमें से आपको चेक करना है कौन सा अलग है गाय डायनासोर, सांप और बंदर शेर तो ऑप्शन में है ही नहीं तो शेर को तो हम वैसे खत्म कर देंगे ठीक है अब देखिए गाय जो है वो क्या है एक अः गाय के चार टांगे उस तरीके से हम बोल सकते हैं सांप के तो टांगे होते नहीं है डायनासोर की भी चार टांगे बंदर की भी चार तो सांप अलग हो सकता है ठीक है एक तो ये तरीका हो गया दूसरा सांप, डायनासोर और बंदर जो है वो ज्यादातर पालतू नहीं होते हैं गाय पालतू होती है ठीक है तो गाय आंसर हो सकता है तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करेंगे एक ऐसा आंसर हिट करेंगे जो सबको वेरीफाई कर दे तो देखिए, गाय सांप और बंदर ये हमारे वातावरण में जो है वो पाए जाते हैं हमारे तंत्र में पाए जाते हैं लेकिन डायनासोर जो है वो क्या है विलुप्त हो गए हैं क्या हो गए हैं विलुप्त हो गए हैं इसलिए डायनासोर जो होगा वो इन सभी से अलग है ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट है इनमें से आप कोई एक इमेज को आपने चूज करना जो सभी से अलग है जो सभी से क्या है अलग है उस तरीके से आप इसको चेक कीजिए देखिए अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को देखूँ तो लग तो एक जैसी रही है ठीक है लगभग बस इसमें फर्क क्या है कि पिक्चर की जो शेप है उसको चेंज कर दिया किसी में त्रिभुज है किसी में आयत दे दिया ठीक है किसी में वर्ग दे दिया उस तरीके से अब देखिए यहाँ पे आप हिट क्या करेंगे ठीक है हिट आपको कैसे करना है अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को चेक करूँ देखिए ये सबसे बाहरी बाहरी वाली ये ये वाली जो लाइन है एक दो तीन चार पाँच और छ इसमें छह लाइनें हैं उसके अंदर अगर मैं आता हूं एक दो तीन चार पांच उसके बाद पांच लाइनों वाली आकृति है और उसके अंदर जो है वो चार लाइनों वाली आकृति है वैसे अगर मैं सभी को चेक करूँ तो देखिए यहाँ पे ये तीन लाइनों वाली ठीक है उसके बाद ये चार लाइनों वाली उसके बाद ये पांच लाइनों वाली तो यहां पे तीन चार और पाँच ये फॉर्म बन रही है अगर मैं बी को चेक करूं तो एक दो तीन चार पाँच ठीक है उसके बाद एक दो तीन चार और अंदर त्रिभुज है तो पांच चार तीन पैटर्न बना इसका बना तीन, चार पांच इसका बना छः पांच चार ठीक है तो एक फॉर्म बन रही है एक सीक्वेंस बन रही है या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में वैसे मैं अगर ऑप्शन ए को चेक करूं तो देखो एक दो तीन चार पांच ठीक है पांच आ गया उसके बाद एक दो तीन चार उसके बाद चार आ गया उसके बाद एक दो तीन, चार पाँच और उसके हाँ छः अब देखिए अगर ऑप्शन बी को मैं चेक करूं तो यहाँ पे क्रम बन रहा है और अगर मैं ऑप्शन ए को चेक करूं तो यहां पे पांच चार और तीन आना चाहिए था लेकिन ऑप्शन ए में क्या आ रहा है आ रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा सबसे अलग होगा अगर यहां पर मैं घटते या बढ़ते क्रम की अगर बात करता ठीक है तो अगर यहां पे ऑप्शन ए में अगर थ्री होता मान के चलते हैं पांच चार तीन होता तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा रहना था ऑप्शन सी रहना था क्योंकि बाकी सभी में क्या हो रहा है क्रम हमारा डिक्रीज हो रहा है लेकिन ऑप्शन सी में क्या हो रहा है क्रम हमारा इंक्रीज हो रहा है बढ़ रहा है तीन चार पांच इस तरीके से बुझाएं चलिए तो यहां पे जो हमारा क्रम जो है वो मैच नहीं कर रहा ना बढ़ते क्रम में ना घटते क्रम में वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ है यहाँ पे देखिए आपके पास एक सीरीज दी गई है आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा ठीक है तो देखिए दो बारा, उसके बाद गैप है उसके बाद है तीस फिर है बयालीस और फिर है छप्पन तो देखिए पैटर्न आप किस तरीके से आप लगाइएगा तो ये तो मल्टीप्लाई कितना बन गया मल्टीप्लाई तीन फिर यह बन गया दो तो उसके बाद हम एक का यूज कर सकते हैं लेकिन उसके बाद तो कोई पैटर्न बनेगा नहीं ठीक है तो ये वाली चीज तो यहां पे काउंट होगी नहीं हमारी कोई और हमें तरीका अपनाना पड़ेगा तो यहां पे, जब हम पैटर्न को थोड़ा सा चेक करेंगे तो दो और दो और चार कितने छ चार और सॉरी दो और चार छ छ बारह फिर तीस और अगर बयालीस में चेक करूं तो तीस और बारह बयालीस फिर बयालीस और चौदह कितने छप्पन तो पैटर्न तो बन रहा है तो यहाँ पे चार आ गया चार और दो छ और दो आठ आठ और दो दस दस दो बारह बारह दो चौदह ये पैटर्न बन गया तो बारह आठ कितने बीस और बीस दस तीस तो आंसर ऑप्शन नंबर ए ट्वेंटी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेंथ डायरेक्शन के चैप्टर से डाला गया क्वेश्चन है काजल अपने घर से घर के दक्षिण में पच्चीस मीटर की दूरी चलती है ठीक है जी काजल जो है वो चली दक्षिण देखिए जब भी आप डायरेक्शन का क्वेश्चन करते हैं तो जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं वो हमेशा पहले नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा हिंदी मीडियम में रहता है तो कई बार बच्चों को यहाँ पे दिक्कत आती है मुश्किल आती है ये ईस्ट है ईस्ट को बोला जाता है पूरब इसको आप लिख लीजिए ये है उससे बिल्कुल अपोजिट पश्चिम पश्चिम यानी कि वेस्ट ठीक है ऊपर आता है नॉर्थ नॉर्थ यानी कि उत्तर ठीक है और नीचे आता साउथ यानी कि दक्षिण ठीक है तो देखिए दक्षिण में गई यानी कि साउथ में गई यहां से चली यहां चली गई कितनी आ गई पच्चीस मीटर आ गई साउथ में और बाई मुड़ी बाई बाई का मतलब होता है लेफ्ट यहां से जब वो लेफ्ट मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी लेफ्ट जब मुड़ेगी तो इस तरफ जाएगी और कितने गई दस मीटर गई ठीक है जी दस मीटर आ गई फिर उत्तर की ओर उत्तर का मतलब है नॉर्थ की ओर नॉर्थ की यानी कि ऊपर की तरफ गई और कितना गई बीस मीटर गई अब मैं यहां से इसको जो है वो बिल्कुल ऊपर तक चलाता हूं और यहां तक पहुंचा देता हूं बिल्कुल इसके सामने तो देखिए अगर ये चीज पच्चीस है तो ये वाली भी कितनी बनेगी पच्चीस बनेगी लेकिन वो पच्चीस नहीं गई है वो बीस गई है इसका मतलब वो इसी स्थान पर क्या हो जाएगी रुक जाएगी यहीं पर वो रुक जाएगी ठीक है तो इसको मैं यहां पे बना देता हूं उसको सिर्फ बीस तक जाना है तो यहां से वो यहां तक ही रुक जाएगी और बीस मीटर आ गया अब बोला गया अब वो अपने घर की ओर चलने लगती है अब घर तो उसका यहां पे है ठीक है अब किस दिशा में चल रही है अब जब वो चलेगी तो देखिए सीधी नहीं जाएगी वो हमेशा क्या करेगी तिरछी जाएगी क्योंकि घर जो अब उसका इस डायरेक्शन में है ये वाली डायरेक्शन बनी ठीक है तो देखिए ये डायरेक्शन किस दिशा को शो कर रहा है जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप इस पॉइंट पे क्या कीजिए डायरेक्शन बनाइए ये ये होती है ईस्ट ये होती है वेस्ट ये होती है नॉर्थ और ये आपकी बनी साउथ तो देखिए वेस्ट और नॉर्थ के बीच में जा रही है यानी कि नॉर्थ वेस्ट आपकी डायरेक्शन बनेगी नॉर्थ यानी कि उत्तर वेस्ट यानी कि पश्चिम उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर इलेवन एक महिला को इंगित करते हुए यानी कि उसकी तरफ इशारा करते हुए राघव ने कहा किसने बोला है राघव ने बोला है कि उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है तो आपको बताना है राघव से महिला का क्या संबंध है आपको यहां पे रिलेशन बताना है देखिए राघव ने किसकी तरफ बोला एक महिला है मान के चलते हैं, ये महिला है और यह जो है राघव है राघव ने इसकी तरफ इशारा करते हुए कुछ बोला क्या बोला कि वो उसका बेटा किसका बेटा महिला का बेटा ठीक है जी इसको थोड़ा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं यह आ गई वो महिला महिला है इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव लगाएंगे ठीक है महिला का कौन आ गया बेटा आ गया ठीक है बेटा यानी कि प्लस मेल है बेटा उसकी बेटी बेटे की कौन आ गई बेटी आ गई ठीक है नेगेटिव आ जाएगी ठीक है बेटी का चाचा है चाचा कौन है राघव राघव जो है वो क्या है चाचा तो चाचा कौन होता है उसके पापा का भाई तो ये बेटी ठीक है बेटी के ये क्या लगे ये उसके पापा लगे और पापा का जो भाई होगा वो कौन है राघव है राघव है तभी तो क्या बना वो चाचा बना ठीक है चाचा यानी कि मेल है इसलिए प्लस लगा दिया अब बोला कि राघव से महिला का क्या संबंध है यानी कि ये राघव और महिला है इनका संबंध क्या ये राघव जो वो इस महिला को क्या बोलेगा देखिए इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए इस तरीके से ये आप हैं राघव आप हैं और ये आपका क्या है आपका क्या लगा भाई लगा ठीक है और ये उस भाई की क्या लगी मम्मी तो आपकी भी क्या लगी मम्मी लगी इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि माता का संबंध यहाँ पे बन रहा है ऑप्शन नंबर ए माता इसका राइट आंसर है, रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ है तो ये क्वेश्चन हमारा मैथमेटिकल uh, ऑपरेशन से पूछा गया है देखिए इसमें एक सीक्वेंस दी गई है सीक्वेंस है सिक्सटीन uh, उसके बाद है डॉलर का सिंबल है उसके बाद फोर फिर एट द रेट फिर फाइव फिर हैश सेवेंटी टू स्टार और एट ये एक कोडिंग दी गई है और आपको जो है वो यहां पे अर्थ भरना इसको कैलकुलेट करना है देखिए एट द रेट का मतलब क्या है इनटू तो एट द रेट कहा ये वाली चीज है तो यहां पे मैं क्या भर देता हूं इनटू भर देता हूं ठीक है यहां पे आ गया इनटू ठीक है उसके बाद बताया गया है इस स्टार का मतलब क्या है डिवाइड जहां पे स्टार है यहां पे मैं क्या भर दू डिवाइड कर दू ठीक है उसके बाद है इस डॉलर का अर्थ क्या है प्लस ये जो डॉलर है इसका अर्थ क्या है प्लस है तो लास्ट में बचा है हैश हैश का मतलब है माइनस तो हैश जो है उसकी जगह मैं क्या कर दूंगा माइनस कर दूंगा ठीक है इसको आप डिवाइड कीजिए सॉल्व कीजिए बोर्ड मास के तरीके से 16 प्लस चार गुणा पाँच माइनस बहत्तर और भाग किया 8 से 8 से किया 9 आ गया ठीक है ये आ गया 16 प्लस चार गुणा पांच माइनस के 9 अब बोर्ड मास में पहले गुणा करनी पड़ती है तो 16 चार पंजे बीस माइनस के 9 इसको आपने क्या करना है बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करना है सोलह और बीस कितने हो गए सोलह और बीस आ जाएंगे आपके छत्तीस और छत्तीस में से नौ चले गए तो आपके बचे कितने सत्ताइस सत्ताइस जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा आ, बिल्कुल सही आंसर आंसर आप आप कमेंट कर रहे हैं अपने आप जरूर शेयर कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ये क्वेश्चन हमारा वेन डायग्राम से रिलेटेड है आप डीआई के तरीके से या फिर एक पजल के तरीके से जो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसके तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए सॉल्व कीजिए यहां तक ये इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है वैसे ही ये इसका दूसरा क्वेश्चन वैसे ही इसका ये तीसरा क्वेश्चन अगर आपने टेबल बना लिया तो आपके सारे के सारे क्वेश्चन इसके ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए देखिए किसी शहर के एक कॉलेज में किसी शहर के एक कॉलेज में सभी बत्तीसों विद्यार्थियों को तीन भाषाएं अंग्रेजी तेलुगु और हिंदी में से कम से कम एक भाषा आती है टोटल बत्तीसों विद्यार्थी हैं और तीन भाषाओं की बात की गई है अंग्रेजी तेलुगु हिंदी और उन सभी को कम से कम एक भाषा तो आती ही है यानी कि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जिसको कोई भी भाषा नहीं आती है यहाँ पे बात की गई है कि कम से कम एक तो आती ही है ठीक है चौबीसों को अंग्रेजी आती है ठीक है चौबीसों बच्चे ऐसे हैं जिनको अंग्रेजी आती है सत्रह सौ बच्चे ऐसे हैं जिनको तेलुगु आती है और आठ सौ बच्चे ऐसे हैं जिनको हिंदी आती है ठीक है हजार को अंग्रेजी और तेलुगु दोनों आती हैं 500 सौ को अंग्रेजी और हिंदी आती तीन सौ को तेलुगु और हिंदी आती तो केवल सौ को तीनों भाषाएं आती हैं ठीक है अब इसको हम ड्रॉ किस तरीके से करते हैं थोड़ा सा वो हम इसको देखते हैं ठीक है देखिए ये मैंने बना लिया किसके लिए ये आ गया इंग्लिश के लिए ठीक है ये इंग्लिश के लिए उसके बाद ये जो है ये बना मेरा तेलुगु के लिए ठीक है और यहां से ये वाली जो चीज बनी ये बनी मेरी हिंदी के लिए ठीक है तीनों भाषाओं की मैंने बात कर ली अब यहां पे मुझे वैल्यू फिल करनी इंग्लिश जो है यानी कि इस सर्कल में इस इंग्लिश वाले सर्कल में मैं इसको ना थोड़ा सा कलरफुल बना देता हूं तब ये ज्यादा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा ठीक है देखिए ये आ गया इंग्लिश का गोला ठीक है उसके बाद ये आ गया तेलुगु का ठीक है और उसके बाद एक और कलर में ले लेता हूं ग्रीन ये आ गया हिंदी का ठीक है अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया कि बत्तीसों टोटल विद्यार्थी हैं ठीक है टोटल जो है वो कितने आ जाएंगे बत्तीस आ जाएंगे ठीक है और यहां पे विद्यार्थियों को तीन भाषाओं में बांटा गया है चौबीसों को अंग्रेजी आती यानी कि ये जो ब्लैक वाला सर्कल है इस सर्कल के अंदर टोटल कितने आएंगे चौबीसों आएंगे चाहे वो यहां पे हो यहां पे हो यहां पे या यहां पे या फिर यहां पे इन चार पोजिशनों पे एक दो तीन और चार इन चारों का टोटल चौबीसो बनना चाहिए वैसे ही इस ये तेलुगु वाला जो ब्लू वाला सर्कल है इसमें लगभग टोटल कितने आने चाहिए सत्रह सो और इस हिंदी वाले सेक्शन में कितने आने चाहिए टोटल 800 बच्चे यहां पे आने चाहिए ठीक है इंग्लिश में आने चाहिए 2400, ठीक है ये चीज मैंने यहां पे बाहर रखी है अभी ठीक है टोटल आनी चाहिए यहाँ पे ये चीज हमें यहाँ पे फिल करनी है अब देखिए पे ये वाला जो पोर्शन बन रहा है ये वाला पोर्शन देखिए इसमें तीनों सर्कल क्रॉस हो रहे हैं यानी कि इंग्लिश वाला ये ब्लैक पोर्शन आ रहा है ये ब्लू वाला भी आ रहा है ये तेलुगु को शो कर रहा है और ये ग्रीन वाला भी आ रहा है ठीक है ए ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पे ऐसे बच्चे आएंगे जिनको तीनों भाषाएं आती हैं, ठीक है अब देखिए यहाँ पे ब्लू लाइन आ रही है और सिर्फ कौन सी आ रही है ब्लैक वाली आ रही है तो यहाँ पे इंग्लिश और तेलुगु वाले आएंगे ठीक है यहाँ पे हिंदी और तेलुगु वाले आएंगे और यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी वाले आएंगे तो तीन पोर्शन ये बन रहे इस तरीके से आप यहाँ पे वैल्यू क्या करेंगे भरेंगे ठीक है यहां पे लिख देता हूं एक मिनट तो ये जो है यहाँ पे एक सर्कल मैंने बना दिया और यहाँ पे जो है वो मैंने तीनों की तीनों वैल्यू जो है वो क्या कर दी भर दी ठीक है अब हमें यहाँ पे क्या करना है इसको फिल करना है देखिए सबसे पहले हमें जो कंडीशन बताई गई है कि हजार को अंग्रेजी और तेलुगु आती है ठीक है हजार बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या आता है अंग्रेजी और तेलुगु आती है ठीक है तो इंग्लिश और तेलुगु यहाँ पे आती है बच्चों को यहां पे हम इसको फिल करेंगे ये मैंने यहाँ पे भर दिया ये सर्कल में मैंने सारी की सारी चीजें जो वो भर दी ठीक है हजार बच्चों को अंग्रेजी और तेलुगु आती है और केवल सौ बच्चे ऐसे हैं जिनको तीनों भाषाएं आती हैं तो सबसे पहले हम इसको फिल करेंगे ये जो बीच वाला पोर्शन है हिंदी इंग्लिश और तेलुगु वाला यहाँ पे कितने बच्चे आ जाएंगे सौ बच्चे आ जाएंगे ठीक है यहाँ पे तीनों भाषाओं वाले बच्चे आ रहे हैं देखिए इस कंडीशन में क्या बोला गया कि हजार बच्चे ऐसे जिनको अंग्रेज अंग्रेजी और तेलुगु आती है अंग्रेजी और तेलुगु वाला ये वाली चीज है अंग्रेजी और तेलुगु वाली हजार ऐसे हैं अब सौ तो चले गए तो सौ में से बचे कितने फिर सौ में से बचे कितने नौ सौ बचे तो नौ सौ यहाँ पे आ जाएंगे ठीक है उसके बाद देखिए पाँच सौ को अंग्रेजी और हिंदी आती है ठीक है पाँच सौ ऐसे जिनको अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पे तो सो तो बीच में आ गया तो बचे कितने फिर चार सौ रह गए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा चार सो रह जाएगा ठीक है चार सौ अब उसके बाद बोला तीन सौ ऐसे हैं जिनको तेलुगू और हिंदी आती तो सो अंदर चले गए तो यहां पे कितने बचे फिर तो यहां पे यहां पे बच जाएंगे फिर हमारे पास दो सौ ठीक है ये चीज आ गई अब इस नीले सर्कल का टोटल होना चाहिए सत्रह ठीक है नौ और सो हजार और दो सौ और बारह सो तो बारह सो और कितने सत्रह सो तो पांच सौ और जमा करेंगे तो सत्रह सो वैसे ऐसा हरे वाले का चार सौ सो और दो सो कितना हो गया सात सो तो सौ और मिलाएंगे तब आठ सौ बनेगा ठीक है वैसे इंग्लिश में नौ सौ और सौ हजार हजार और चार चौदह सो और चौदह सो में हजार और मिलाएंगे तब बनेंगे टोटल चौबीसो ठीक है चौबीसो सत्रह सो और आठ सौ टोटल कितने हो गए बत्तीस अब देखिए कितनों को तीनों में से केवल एक ही भाषा आती है तीनों को एक एक ही भाषा आती है तो हजार बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ क्या आती है इंग्लिश आती है ठीक है पांच सौ बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ क्या आता है तेलुगू आती है और सौ बच्चा ऐसा है जिसको सिर्फ हिंदी आती है ठीक है सबको आप ऐड कर दीजिए जितना क्वेश्चन आसान है उतना ही टफ है क्योंकि टफ इसलिए मैंने बोला क्योंकि अगर आपके यहाँ पे इस सर्कुलर में अगर कोई गलती होगी इस टेबल में तो आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीन या चार इस टॉपिक के वो आपके गलत हो जाएंगे अगर आपने ईजी इसलिए क्योंकि अगर आपका टेबल बन गया तो आपसे जितने भी क्वेश्चन पूछ लो वो सही जाएंगे वो गलत नहीं होंगे आपकी बस कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए ठीक है 100 और 500, सौ पंद्रह और एक कितने 1600 तो टो, टो, टोटल कितने बच्चे आ गए 1600 ऐसे बच्चे हैं जिनको केवल एक भाषा आती है अगला प्रश्न क्या है कितनों को केवल हिंदी आती देखो हिंदी में कितने हैं सिर्फ हिंदी में जो सिर्फ हैं वो कितने हैं सो ही बच्चे हैं ठीक है जिनको सिर्फ हिंदी आती है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका क्या होगा बिल्कुल राइट right आंसर रहेगा सी ऑप्शन ठीक है अगला प्रश्न क्या है कितनों को तीनों में से एक भी भाषा नहीं आती है बोला तो इसको बनाने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पहले बताया गया था कि तीनों भाषाएं अंग्रेजी तेलुगु हिंदी में से कम से कम एक भाषा तो आती आती है मतलब एक लैंग्वेज तो वो जानते जानते तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कोई भाषा नहीं आती हो तो कितने बच्चे होंगे जीरो ठीक है तो राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा आई होप आपको क्लास काफी अच्छी लगी आप हमें सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर के ऊपर आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं आपके फ्री नोट्स हमारी विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रेपरेशन एप्लीकेशन पर डाल दिए गए हैं उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी हमारी डेली क्लासेस उसमें चलती हैं वो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको जो है वो वहां पर आपको मिल जाएगी प्रॉपर एक सीक्वेंस के साथ हमने क्वेश्चन सेट को जो है वहां पे डाला है तो उसको आप एक मोक की फॉर्म में क्विज की फॉर्म में भी आप वहां पर दे सकते हैं तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें धन्यवाद जय हिंद जय भारत